महकमा YouTube चैनल आज की इस वीडियो में आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी इस डिज़ाइन को आप दामन या ट्राउजर पर बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है ये सबसे पहले मैंने ये बुकरम का एक पीस लिया है इसकी लंबाई मैंने इसकी लंबाई मैंने दो इंच ली है और इसकी चुड़ाई जो है वो सेम स्लीव्स का साइज़ है इस तरह से रख के मैंने इसको नाप लिया है अच्छे से इस तरह से मैंने इसकी चुड़ाई को नाप लिया है अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए मैंने स्केल की मदद से तकरीबन आधे इंच का मार्जन छोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है ये मार्जन मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन है ये चेक कर लें अब यहाँ पे मैंने ढक्कन लिया और इसके हाफ में इस तरह से निशान लगा लिया है और इसको बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया मैंने अब मैंने बंद वाली साइड पर ढक्कन को इस तरह से रखा है और ये आपने ख्याल रखना है अच्छे से कि जो शेप है हमारी वो इसी तरह से राउंड शेप में अच्छे से आएगी अगर आप दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपकी सेम बहुत ही खूबसूरत सी कटवर्क तैयार होगी जैसी आप चाहते हैं सेम इसी तरह से मैंने पूरी बुकरम पर हाफ़ राउंड शेप दे दी है अब मैंने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग मैंने कर ली है अब यहाँ पर मैं बुकरम को स्लीव्स के ऊपर पेस्ट करूँगी और मेरे पास फ़ोल्डिंग का मार्जन नहीं है अगर आपके पास है तो इस तरह से फ़ोल्ड करें और इस तरह से लगा लें लेकिन मेरे पास फ़ोल्डिंग का मार्जन नहीं है तो मैंने यहाँ पे पट्टी का इस्तेमाल किया है बुकरम को मैंने इस तरह से स्लीव्स के ऊपर फोल्ड पेस्ट कर लिया है और ये मैंने ढाई इंच चौड़ी पट्टी ली है इसको मैंने इस तरह से स्लीव्स के नीचे रखना है और बिल्कुल कटवर के मुताबिक मैंने इस सिलाई को चला लेना है सिलाई ज़रा भी इधर उधर ना हो बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए ताकि जो हमारी सिलाई है वो रफ़ हो टाँका यहाँ पर अपना छोटा रखें ताकि जो हमारी कटवर्क है वो अच्छे से तैयार हो जाए अगर टांका बड़ा रखेंगे जब हम कटवर्क को सीधा करते हैं तो जो नीचे से रफ़ फैब्रिक है वो बाहर आ जाता है तो आपने यहाँ पर सिलाई को छोटा रखना है ठीक है और सेम कटवर के मुताबिक अपनी सिलाई को चला लेना है और यहाँ पर जो फालतू तो फ़ैब्रिक है उसकी मैंने कटिंग कर देनी है अब एक पैर का फ़ैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फ़ैब्रिक की कटिंग कर दूँगी ज़्यादा साथ रख के इसकी कटिंग नहीं करनी क्योंकि जब हम कटवर को सीधा करते हैं तो जो रफ़ हमारा फ़ैब्रिक है वो बाहर आ जाता है इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब इनके सेंटर में बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाए हैं सिलाई को कट नहीं किया मैंने यहाँ पर मैंने इस कटवर को इस तरह से सीधा कर लेना है और ये जो पट्टी है इसको तकरीबन इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस कर लूँगी ये देखें इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है अब मैं इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी यहाँ पर मेरी वाइट कलर की बुकरम है तो हल्की सी नीचे से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है अगर आपकी बुकरम नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं या फिर आप बैक साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं रफ़ वाली साइड से ये देखें मैंने बहुत अच्छे से नीट सिलाई लगा ली है अब मैंने यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है उसको मैंने इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लिया है यहाँ पर मेरे स्केल की चौड़ाई एक इंच है तो इस तरह से मैं स्केल को रखूँगी और तकरीबन एक इंच की पटियाँ कट करूँगी बिल्कुल और एब में ये पटियाँ कट करनी है सीधी बिल्कुल नहीं करनी और सेंटर से मैंने इसको हाफ करके ये दो पटियाँ तैयार हो गई हैं सेम इस तरह की इतनी पटियाँ ली हैं जितनी मुझे अपने डिज़ाइन में चाहिए और इस तरह से मैंने लगा ली हैं अब मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग करनी है ज़रा भी फ़ालतू फैब्रिक मैंने इसमें नहीं छोड़ना सेम बुकरम के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर अगर आप दो लंबी पट्टियाँ लेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा ये देखें मैंने काफ़ी लंबी पट्टियाँ ली हैं अगर आपके पास लंबी पट्टियाँ नहीं हैं तो आप छोटी छोटी पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैंने पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है तो उसके लिए मैंने आयरन का इस्तेमाल किया है आयरन के साथ मैं इन पट्टियों को अच्छे से फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाएंगी और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने दोनों साइड से साइज़ सेम रखना है ठीक है दोनों साइड से साइज सेम रखते हुए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है दोनों साइड से ये एक इंच चौड़ी पट्टी थी तो इसलिए देखें अच्छे से ये प्रेस हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मार्जन अंदर है जो हमारी पट्टी जो है वो रफ़ नहीं होगी इससे अब मैंने इसके ऊपर इस तरह से आयरन कर लिया है इसको ये देखें ये इस तरह से एक लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है सेम इसी तरह की मैंने ये बाकी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है और ये पटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं अब इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई ये चेक करें बिल्कुल आसानी से ये सिलाई लग गई है अब सेम इसी तरह से मैंने सारी पट्टियों पर सिलाई लगा कर यहाँ पर साढ़े चार चार इंच की पटियाँ कट की हैं और अगर आपके पास ये आप लंबी पट्टियाँ ले गए तो आपको डिज़ाइन बनाने में यकीनन बहुत ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर मैंने पट्टियों को अच्छे से भिगो दिया है तब तक भिगोना है इसको जब तक आपकी बुकरम ढीली ना हो जाए ठीक है चाहे आप गिलास में या किसी भी चीज़ में भिगो के इनको पास भी रख सकते हैं और साथ साथ निकालते जाओ और इस तरह से पानी को अच्छे से निचोड़ लें और इस तरह से मैंने स्लीव्स के साथ रखते हुए इसको रव, आ, राउंड शेप दे दी है जितनी मुझे चाहिए ठीक है इस तरह से इसकी शेप देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अब दूसरी शेप मैंने इस तरह से देनी है कि पहली शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखना है इस तरह से और सिलाई वाली साइड को मैंने अंदर की तरफ किया है ये आप अच्छे से देख लें दोनों शेप्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए शेप तैयार कर लेनी है आप भी इस तरह से चाहे तो बहुत ज़्यादा शेप्स तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ये देखें ये मेरी दोनों शेप्स तैयार हो गई हैं अब मैंने इसको स्लीव्स के साथ जॉइंट करना है तो कटवर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है सिलाई ऊपर नीचे ना हो बिल्कुल साथ साथ हो और इस तरह से हाफ़ राउंड पट्टी को मैंने रखना है और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चला लेनी है मैं आपको इंट पर दिखाऊंगी कि ये दामन ट्राउज़र और स्लीव्स पर डिज़ाइन कितना ही ख़ूबसूरत लगेगा बहुत डिसेंट और सिंपल और बहुत ही ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन है ये सेम इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ स्लीव्स के साथ जॉइंट कर लेनी है और ये पट्टियाँ तैयार करना बहुत ही आसान है कोई मुश्किल काम नहीं है मिनटों में तैयार हो जाती हैं अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है तो आप जो कटिंग निकलती है हमारी ट्राउज़र की उस पर रख कर आप इन पट्टियों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम कपड़े में तो इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ तैयार की हैं आपके सामने यहाँ पर कटवर्क वाला डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया स्लीव्स यहाँ पर तैयार ये देखें दामन में कितने खूबसूरत लग रहे हैं अगर इस तरह का आप दामन बनाएंगे और अगर ऊपर नीचे रख के बनाएंगे तो ये बहुत ही ख़ूबसूरत लगेगा और स्लीव्स में पहना हुआ देखे कितना डिसेंट और ख़ूबसूरत लग रहा है और इस तरह से अगर आप ट्राउज़र बनाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है ओके जी अल्लाफ़ी अमानल असल